नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम ले चलते हैं आपको जालौर जिले में चल रहे आंदोलन के मौके पर ले चलते हैं, जिसमें चंद्रा बांध से पानी छोड़ने को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है पिछले 4 साल से। इसका आज पटाक्षेप निराकरण हो रहा है। आंदोलन के मुखिया व आंदोलन के नेता सरुण सिंह दासपा ने बताया कि हम पिछले कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर हमें दूसरा ही सिनेरियो नजर आया। वहां पर जो ग्रामीण थे एक जगह पे एकत्रित हुए थे और उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है कि अगर पानी छोड़ेंगे हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये जो रास्ता लंबा है नदी के अंदर वो सारा अवरुद्ध हो जाएगा, पानी यहाँ से चलेगा तो आवागमन बंद हो जाएगा, जिससे हमें बड़ा ही घूम कर आना जाना पड़ेगा और स्कूली बच्चे शिक्षा से वंचित हो रह सकते हैं। मौके पर बड़े अधिकारी, इसमें सिंचाई विभाग के अयन, जयन, एक्शन, पटवारी, आरआई आदि पहुंच चुके थे। और जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उस रास्ते को लेकर ग्रामीण और वहां पर ही स्थानीय सिंद्रा गांव के ठाकुर सरुण सिंह भी मौजूद थे और उनका कहना था कि हमें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके दें। और जब हम बात कर रहे तो उसी समय SDM बिनमाल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस समस्या का समाधान का निराकरण करते हुए, ये देखिए SDM साहब आ चुके हैं। और जब उन्होंने सारी समस्या सुनी तो उन्होंने एक्शन को तुरंत आदेश दिया कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें और उसके बाद ही पानी छोड़ा जाए। और पहले उस जगह का मौका मुआयना किया गया पूरी टीम के साथ में और देखा गया कि इतना लंबा जो रास्ता आपको सामने नज़र आ रहा है तो पानी का, यहाँ पर ये आने जाने की जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही गई। कुछ जलदाय विभाग ने, सिंचाई विभाग ने जो पाइपें थी वो लगाई और जब SDM संतुष्ट हुए तो उन्होंने कहा कि हम अब पानी छोड़ने के लिए आगे चलेंगे। जो किसानों की मांग थी पिछले 4 साल से, उनका कहना था कि जो बांध या डैम बना हुआ है ये बनने के बाद में नदी अवरुद्ध हो गई और उसका पानी नहीं आ रहा और बांध से भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से नदी की रेंज में आने वाले जो आगे के गांव हैं उनका जल स्तर घट गया है और सूखे की स्थिति हो गई है। देखिए Part 2 में पूरी रिपोर्ट किस तरह से चंद्रा बांध से पानी छोड़ा गया। रास्ते को लेकर ग्रामीणों की क्या मांग थी, सिंद्रा गांव के ठाकुर सरुण सिंह से बात की, आई सुनाते हैं उनकी जुबानी। सिंद्रा ठाकुर साहब, सरुण सिंह जी, आपकी इशू अलग था रास्ते का, तो उसको लेके क्या समाधान निकला? हमारे तो कनेक्टिविटी का इशू है कि आप कितना भी पानी छोड़ो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पानी आप नहर तोड़ के और फिर नदी में डाल रहे हो तो हमारे और पूर गांव के बीच में जो कनेक्टिविटी है, पंचायत हेडक्वार्टर वहाँ पे, स्कूल है वहाँ पे, हमारे जाने आने के लिए कोई तकलीफ ना हो, रास्ता ना टूटे, बस हम यही प्रशासन से पूछ कर रहे हैं, बाकी हम कुछ इनको ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहेगा पानी की। उसकी समस्या का समाधान हो गया आपके? इनकी समस्या का इन्होंने अभी फॉर्मेलिटी तो की है समस्या समाधान के नाम पे, इसलिए पानी छोड़ने के बाद पता चलता है वो रास्ता कितना टूटेगा आगे। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।